की कैसे हैं आप सब लोग आई होप यू आर गुड होपू आज की जो रिव्यू वीडियो मैं लेकर आया हूँ ये है अलिहाब का फ्रेंच कॉफ़ी काफ़ी अरसे पहले ये लॉन्च हुआ है मेरे ख्याल से 2021 या 2020 में ऐसी कुछ यानी दो तीन साल से ऊपर हो गए हैं ये मेरा बैच है 2023 का मेरे पास इसका ओल्डर वर्जन भी पड़ा हुआ है वो मैं इन शॉर्ट उसकी तस्वीर यहाँ 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 लगा दूंगा मेरे पास वो बैच भी पड़ा हुआ है ये न्यू वर्जन बैच है ठीक है बस थोड़ा सा ही फर्क है स्मेल में और लास्टिंग में बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है ये भी नो डाउट बीस मोड है इसका बॉक्स कुछ इस तरह दिखता है ये मेरा ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का बैच है ठीक है ये अलिहाब वालों का है जो कि अब मेरी न्यू यूनाइटेड अरब एमरेट्स पहले जो रिहाब कंपनी ये सऊदिया में इसे बना रही थी इसकी एक शॉर्ट सी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ और अनफॉर्चुनेटली ये कोई इतना हाइप नहीं कर रहा था तो फिर कंपनी ने क्या किया जितने भी वो पुराने बैच थे जिनकी बॉटल में या वो लगा चुका होगा वो वाली बैच जितनी भी सऊदिया ने बनाई वो सारी की सारी उसने दुबई ट्रांसपोर्ट कर दी क्योंकि दुबई में उसकी थोड़ी डिमांड आ रही थी फिर ये हुआ कि सऊदिया ने उसको मैनुफैक्चरिंग करना बंद कर दिया रिहाब वालों में जो सऊदिया का रिहाब था उसने बंद कर दिया और उधर से दुबई वालों ने उसे पिकअप कर लिया अब दुबई से मैनुफैक्चर कर रहा है फ्रेंच कॉफ़ी बाय अल अलिहाब और हाई पैस की और होनी भी चाहिए क्योंकि अगर आप एक गौरमोंडिश फ्रेगरेंस लवर हैं जैसे कि कुछ भाइयों ने मुझे कहा था कि भाई अपनी गौरमोंड की आ, लाइन बनाएं परफ्यूम की वो भी हमें शेयर करें कि कौन से आपके फेवरेट गड्स फ्रेगरेंसेस हैं तो दिस वन इज ईजिली ऑन टॉप थ्री क्योंकि ये लिटरली एक कॉफी है ठीक है अच्छा तो इसे टेस्ट आउट कर लेते हैं मैं एक स्ट्रिप निकाल लूँ और फिर आपको इसके बारे में मज़ीद बताता हूँ ओके नो स्मेल ये कुछ इसका कैप है लाइट वेट है अच्छा जो इसका पुरानी वाली बॉटल है उसका गोल कैप है जैसे आलमंड एक बादाम बना हुआ है वो थोड़ा सा हैवी है ये थोड़ा लाइट है उससे और बॉटल के अंदर आप जूस देख नहीं सकते नो मैटर आप कितनी भी टॉर्च इस पर मारें लाइट मारें आपको इसमें नहीं जूस नजर आएगा अन्य साहब बॉटल को थोड़ा स्क्रैच करके देखेंगे तो ठीक है मेरी ये कह लें कि इस विंट, इस सर्दियों में विंटर में मेरी ये दस से बारह बेरिंग्स हो चुकी हैं इसकी ठीक है चले इसका एटोमाइजर कुछ ऐसे गोल्डन कलर का आता है वो इट्स वाइट स्प्रेयर पता नहीं मैं आज स्प्रेयर क्यों बता रहा हूँ एटोमाइजर है कंट्रोलेबल नहीं है डिसेंट है लेकिन उफ जैसे ही इसकी होपनिंग होती है ना आपको एक वो कोकोनट कुकीज़ आते हैं उस तरह की थोड़ी सी वाइब आती है इन द एयर ठीक है नज़दीक से नहीं नज़दीक से ये लिटरली एक रोस्टेड um, कॉफी की स्मेल आपको आएगी लेकिन इन द एयर ये आपको वो कोकोनट कुकीज वाले बिस्किट्स है ना उस तरह की वाइब आती है लेकिन मजे की बात इसमें कोकोनट नहीं है ठीक है इसमें मिल्क ककाउ कॉफी कैरामल सिनेमम शुगर वनीला ये चीजें जो कि इसे लिटरली एक कॉफी uh, लाटे बनाती है लिटरली कॉफी लाटे इन द एयर आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में वो कुकी की वाइब की उसके बाद ये ड्राई डाउन होते होते प्रॉपरली विद इन टेन टू फिफ्टीन मिनट्स ये आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने एक कॉफी लाटे अपने ऊपर फेंक लियो ठीक है नेस्क कैफे हो जाए या कोई भी कॉफी मिल्क वाली कॉफी ठीक है जो लाटे में बनी हुई है जो लाटे बनेगी कॉफ़ी का वो सेम ये वो चीज़ है इसको मैं इससे ज़्यादा सिंपल नहीं कर सकता इसमें ना कोई और ड्राई डाउन के बाद कोई टबैको नोट आएगा ना ड्राई डाउन के बाद कोई वुडी नोट आएगा ना स्पाइसी नोट आएगा ना सिट्रस नोट है इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं ये लिटरेली चिलती फिरती कॉफ़ी है और ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन करी है रिव्यूज बनाए हैं और ऑनेस्ट रिव्यू सच सच जो है वो यही है कि ये कॉफी लाटे है इसके जैसा एक और भी है जो पेरिस कॉर्नर का है अगर आप मुझसे पूछे आप कौन सा रिकमेंड करेंगे तो मैं अगर लास्टिंग की बात करूँ तो मैं इसे रिकमेंड करूँगा इसकी लास्टिंग ईजिली फाइव टू तो सिक्स आवर्स इजिली विथ फोर स्प्रेस उसकी लास्टिंग मुझे थ्री थ्री एंड हाफ आवर्स मिली थी उसके बाद उसको स्किन सेन बन के रह गया था दिस वन दिस वन इज बीस्ट ये बीस्ट है और अगर इसको आपको पुराना वर्जन मिल जाए वो तो डैम दैट वन इज डैम गुड वन वो तबाही चीज है वो सात से आठ घंटे आराम से देता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मिलता नहीं है मेरे पास सिर्फ दो बॉटल्स उसकी पड़ी हुई पुराने वाले बैच की नया वाला भी बुरा नहीं है फाइव टू तो सिक्स आवर्स ये भी दे रहा है लेकिन पेरिस कॉनर वाले के अगर मैं थोड़ा सा अगर डिफरेंशिएट आपको करूँ तो उसमें मुझे थोड़ा सा एक फ्लो नजर आया उसमें मुझे थोड़ा सा ना पीना कुलाडा वाले वाइप नजर आई उसमें कोकोनट थोड़ा स्ट्रोंग है थोड़ा डोमिनेंट है इसमें कोकोनट सिर्फ ओपनिंग में इन द एयर फील होता है पाँच से दस मिनट उसके बाद ये ड्राई डाउन में टोटली रोस्टेड कॉफी लाटे बन जाती है जो कि मिल्क के साथ कैरामाइज वाली कॉफ़ी लाटे ठीक है ये बस एक फ़र्क है इन दोनों में और एक लास्टिंग का मैंने आपको बताया बाकी सेम यही चीज़ है वो भी आ, लेकिन मुझे इसकी डी एन ए मोर रिफाइंड मोर कह लें कि मोर क्लियरली विजिबल होती है मतलब स्मेल की जा सकती है मोर क्लियरली आपको पता चल जाता है लेकिन हाँ अगर आप कॉफ़ी पसंद नहीं करते कॉफ़ी की स्मेल आपको अच्छी नहीं लगती डेफिनेटली इसको मत ट्राई कीजिएगा क्योंकि मैंने एक भाई हैं मेरे आ, उनको कॉफी की स्मेल इतनी ख़ास नहीं लगती इतनी पसंद नहीं आती उनको वो वाली लगती है अच्छी जो हल्की सी रोस्ट कॉफ़ी विद अदर इंग्रेडिएंट्स जो कि थोड़ा सा लीन करते हैं कैजुअल वेयरिंग की तरफ वो वाले वो कॉफी वेयर कर लेते हैं जैसे हेलोवीन मैन एक्स हो गया उसका कॉफी बहुत डिफरेंट है इसका कॉफी टोटली रोस्टेड ऑन योर फेस कॉफ़ी लाटे है तो ये वाली चीज़ फिर नोटिस कर लीजिएगा क्योंकि उनके फिर सर में ये लगाते साथ ही दर्द हो गया फिर मुझे मजबूरन उनको वो एथेनल संगाना सुना, पड़ा मिट ऑयल संगाना पड़ा ताकि उनकी नोज़ अपनी बराबर पर आए और कुछ लोगों को यह सर पकड़ लेता है इतना स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी है अगर तो आप सर्दियों में डेफिनेटली मुझे ये बहुत मजे देता है आप लोगों का मैं नहीं कह सकता अगर आपको कॉफ़ी पसंद है देन गो डेफिनेटली फॉर दिस वन हंड्रेड एंड हंड्रेड टेन परसेंट मैं आपको रिकमेंड करूंगा लेकिन अगर आपको स्ट्रॉग डार्क कॉफ़ी वनीला कैराम टाइप लाटे मिल्की कॉफी पसंद नहीं है तो इसे मत ट्राई कीजिएगा ठीक है उसके अलावा ओकेजन मैं कहता हूँ कैंडल लाइट पे जाएं डिनर पे जाएं सर्दियों में कोई भी अच्छा सा ओकेजन हाँ जहाँ पे क्लोज एनकाउंटर्स ना हो ज्यादा जहाँ पर आप गैदरिंग हो खुली डुली जगह पे तो जबरदस्त है वरना जहाँ वो कह लें ना कंजस्टेड सी जगह है वहाँ पर तो आप कैसे कह लें कि ये ऐसा सर पकड़ेगा ना आपका कि लोगों का अगर आपको तो पसंद है तो दूसरों को सर पकड़ लेगा जिसको नहीं पसंद होगी कॉफी तो वो जरा मद्देनजर रखते हुए इसको वेयर कीजिएगा ये इजी पुल आउट इसे भी नहीं कर सकते लेकिन जो कर ले ईजी पुल आउट मैं कहता हूँ तबाही चीज़ है अच्छा ठीक है ये अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं इसके साथ मैंने इसकी भी लेरिंग करी है एक सेकेंड इसकी चोको मस्क ये भी अल अल्रहा आपका है ठीक है लिटरली वनीला केक इसका परफ्यूम भी आता है ये आपको वलीद रज़ा भाई से ये भी मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा और इसका परफ्यूम चोको मस्क का वो भी मिल जाएगा इसका रिव्यू मस्क का मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं ये लिटरली एक केक की स्मेल है लिटरली एक केक वनीला केक ठीक है इसको अगर आप इसके साथ लेयरिंग करते हैं मैन यू गैट दिस कॉफी केक गुड वन आउट क्लास बन जाता है लाइक like, लिटरली बच्चे आपको पकड़ के खा जाएंगे बच्चे क्या <laughs> समझ लें आप समझ सकते हैं लोग आपको पकड़ के खाना शुरू हो जाएंगे इस तरह की आपकी स्मेल बन जाएगी इनफैक्ट यू विल आप स्टार ऑफ द शो हो जाएंगे जिधर भी जाएंगे ना लोग एकदर कहेंगे यार ये बंदा पता नहीं अभी अभी कॉफी केक पता नहीं क्या क्या खा कर आ रहा है दैट काइंड ऑफ अ स्मेल यू कैन फील माय इमोशंस माय हैप्पीनेस जंपिंग आउट बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ अ स्मेल तो भाई जो गवर्नमेंट फ्रेगरेंस मांग रहे थे उनके लिए एक शॉर्ट रिव्यू मैंने ये बना दिया है और एक चार पांच बॉटल्स में अपनी लाऊंगा जिसमें मैं अपनी फेवरेट टॉप फाइव गवर्नमेंट फ्रेगरेंस पसंद करके डालूंगा उसका भी रिव्यू मैं जल्द से जल्द लाऊंगा फिलहाल आप इससे गुजारा कर लें ठीक है ये कॉम्बिनेशन आपको काफ़ी सूट करेगा अगर तो आप इसे बर्दाश्त पहले कर लें अगर तो आप इसे कर सकते हैं देन गो फॉर दिस वन सोने पे सोहागा वाली बात है देन दिस वन एंड दैट सेट यू गोना सबके परफ्यूमों को आप ऐसे ठपियाँ दे देंगे ना बैठ जा बैठ जा बैठ जा दूर हो जा दूर हो जा वो वाली हरकतें होंगी ऐसी ही इसकी खुशबू बनेगी लाइक यू विल गोना रॉक दिस वो सो सर्दियों में गर्मियों में तो ये आपको भी पागल कर देंगे ना तो गर्मियों में तो ये लगा ही नहीं सकते लेडीज़ डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। लेडीज पे भी काफी सूट करेगा यूनिसेक्स है कॉफ़ी है, लाटे प्लस मस्क, अ वनीला केक यू कैन इमेजिन के लाइक हाउ यू विन बी रिएक्टिंग इन द पब्लिक बट आई रिकमेंड यू टू वेयर दिस वन पब्लिक बट स्टे यू गी रॉकिंग इन द पब्लिक तो ये थी आज की हमारी रिव्यू वीडियो आई होप आई आंसर ऑल द क्वेश्चन एंड सॉरी मेरे इमोशन जरा बेकाबू से हो गए थे क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है इन दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है वनीला कॉफ़ी केक तो अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो लाइक एंड सब्सक्राइब हिट द बेल आइकन बटन ठीक है मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और दुआओं में याद रखें और हाँ डू रिमेंबर सब्सक्राइब करें थाउजेंड सब्सक्राइबर पे आपको गिव अवे भी होगा और उसके अलावा अगर कुछ इसमें से समझ ना आया हो डेफिनेटली मुझसे पूछ लीजिएगा ठीक हो गया आज़ाद साइनिंग ऑफ अल्लाह हाफिज़